Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the exercise question of chapter 3. Okay, we have discussed this chapter in the previous video and we have seen it was very interesting chapter. Okay, so in this chapter we will see the exercise questions. So let's start. First we will see the comprehension. Which sentence in the text tell you the following? ठीक है, मतलब इस कहानी में कौन सा sentence आपको ये message देता है? ओके, द फर्स्ट वन इज द बेबी बर्ड्स वांटेड टू स्टे क्लोज टू देयर मदर. जो बेबी बर्ड्स थे, बेबी पैट्रिजेस थे, वो अपनी माँ के बिल्कुल पास रहना चाहते थे. ये किस सेंटेंस से हमें पता चलता है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिला एक लाइन. यहाँ पे दे पीप्ड सॉफ्टली एंड सैडली इफ दे वर लेफ्ट इवन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड एंड दे लुक्ड रियली फ्रेजाइल. ये लाइन क्या शो करता है कि वो अगर थोड़ा सा अपनी माँ से पीछे रहते थे तो बहुत वो डर के चिल्ला साउंड निकालते थे. ये क्या शो करता है कि वो अपनी माँ से थोड़ी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का. नेक्स्ट सेकंड जो है उसमें क्या पूछ रहा है, मदर पैट्रिस वॉज वेरी केयरफुल. मदर पैट्रिस जो थी वो बहुत ही केयरफुल थी. ये किस लाइन से हमें पता चलता है वो बताना है आपको. तो देखिये यहाँ पे एक लाइन था, सी वॉच्ड एवरी बुश एवरी ट्री द बूट्स एंड इवन द स्काई. ये लाइन क्या शो कर रहा है कि वो बहुत ही केयरफुल थी. ठीक है, वो हर झाड़ी, हर पेड़, सब कुछ, इवन स्काई को भी देख रही थी कि कहीं से कोई दुश्मन ना उसका आ जाए. ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे देखते हैं, देयर वर टू वेज इन विच द फॉक्स कुड फाइंड देम. दो तरीके जिससे कि फॉक्स उन्हें ढूंढ सकता था. तो दो तरीके क्या थे, बाय सीइंग और बाय स्मेलिंग देम. तो देखिए यहाँ पे एक लाइन है, In a few moments, he was sure to see or smell them. ठीक है, ये दो तरीके हैं जिससे कि फॉक्स जो है वो बेबी पैट्रिजेस को पहचान सकता था. तो वैसे आपको बाकी के तीन भी करने हैं. ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस टेक्स्ट में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि इस मैसेज को बताता है. ओके, नेक्स्ट बी पे आते हैं, आंसर इन डिटेल में. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बेबी पैट्रिजेस, हाउ डू यू नो दैट दे वर ओबीडियंट. तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि बेबी पैट्रिजेस जो थे वो कैसे थे. तो हमने पढ़ा था कि वो बिल्कुल बॉल के फर ऑफ बॉल की तरह थे. ठीक है, फर के बॉल की तरह थे. उसके बाद फिर वो बहुत ही फ्रेगिल, बहुत ही छोटे छोटे से थे. ओके, हाउ डू यू नो दैट दे वर ओबीडियंट, हम कैसे जानते हैं वो बहुत ही ओबीडियंट, मतलब कि बहुत ही आज्ञाकारी थे. तो हम ये कैसे जानते हैं, क्योंकि जब उनकी माँ कहे कि छुप जाइए, ठीक है, व्हेन हर मदर व्हेन देयर मदर सेड टू हाइड, दे ऑल वर हिडन. ओके, और उनमें से एक बच्चे ने भी आंख नहीं खोला जब तक कि उसकी माँ खुद उन्हें बुला नहीं ली. ओके, नेक्स्ट सेकंड वन इज, हाउ डिड द मदर पैट्रिस रेस द फॉक्स. ठीक है, मदर पैट्रिस जो थी वो फॉक्स के साथ कैसे रेस की. तो क्या की वो ऐसा नाटक की कि वो बहुत ही बीमार है, हर्ट है, और वो कहाँ गई, वो गई फॉक्स के पास, और फॉक्स जो था वो उसके पीछे, उसको लगा कि मैं तो इसे बहुत आसानी से पकड़ लूंगा, और वो उसके जाल में फंस गया. ठीक है, ऐसे करते करते मदर पैट्रिस जो थी वो फॉक्स को बहुत दूर लेके चली गई उस हिल से. नेक्स्ट थर्ड नंबर है, वेट एंड सी हाउ मच क्लेवरर अ मदर पैट्रिस कैन बी. डू यू थिंक दैट द मदर पैट्रिस वाज रियली क्लेवरर देन द फॉक्स एंड व्हाई. तो यहाँ पे देखिए कहा गया था एक लाइन की, आप रुको देखो एक मदर पैट्रिस कितना ज्यादा चालाक हो सकती है. तो क्या आपको लगता है कि मदर पैट्रिस सच में क्लेवर थी? तो ऑफ कोर्स वो फॉक्स से ज्यादा क्लेवर थी. ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने फॉक्स को ही बुद्धू बना दिया. ठीक है, मेड अ फूल ऑफ हिम, ये लाइन अपने आपको लोग को याद होगा. तो उसने क्या किया, तो उसने फॉक्स को ही फूल बना दिया था. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, इट वॉज रियली स्ट्रेंज. वॉट वॉज रियली स्ट्रेंज, क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था. तो स्ट्रेंज ये था कि फॉक्स जो है वो बार बार उसे पकड़ नहीं पा रहा था. ठीक है, फॉक्स मदर पैट्रिस को पकड़ नहीं पा रहा था. Why was strange? और ये strange क्यों था? क्योंकि मदर पैट्रिस जो थी वो स्टार्टिंग में बहुत ही हर्ट लग रही थी, लेम लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसका उसको चोट लग गया है, वो उड़ नहीं सकती. लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो और स्ट्रॉन्गर होती गई, और वो और तेजी से भाग जाती थी. ठीक है, ये बहुत ही अजीब बात है कि उसके पास अचानक से इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है, नाउ ही रियलाइज दैट द पैट्रिस हैड मेड अ फूल ऑफ हिम. ठीक है, तो when did he realize that he had been fooled? उसे कब एहसास होता है कि उसका उसे फूल बना दिया गया है? तो कब एहसास होता है, जब मदर पैट्रिस जो है वो आसमान में उड़ जाती है. ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर,
वॉट एल्स डिड ही रियलाइज, वॉट डिड ही नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उसे और क्या रियलाइज हुआ? तो उसे ये भी रियलाइज हुआ कि ऐसी तरह से बेफूल उसको सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार बनाया है मदर पैट्रिज ने। ठीक है, मतलब मदर पैट्रिज ने बहुत बार ऐसी तरह से फूल बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि व्हाट डिड ही नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो क्या नहीं समझ पाया? तो जो फॉक्स था, यहाँ पे ही कौन है हमारा? फॉक्स। तो जो फॉक्स था वो ये नहीं समझ पाया कि आखिर बार बार मुझे मदर पैट्रिज फूल बना के उस पहाड़ से दूर क्यों लेके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर है व्हाई वाज ही फूल्ड, और वो फूल्ड क्यों हो गया था? तो क्यों हो गया था? क्योंकि उसको लगा कि वो मदर पैट्रिज को पकड़ सकता है, उसे चोट लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में उसे कोई चोट नहीं लगा था, वो बस ड्रामा कर रही थी वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स नंबर है व्हाट हैपेंड व्हेन द मदर पैट्रिज केम बैक, क्या हुआ जब मदर पैट्रिज वापस आई? तो जब मदर पैट्रिज वापस आई थी तो उसने देखा कि तब भी सब बच्चे उसको बिल्कुल चुपचाप है, कोई कुछ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई थोड़ा सा भी शोर नहीं कर रहा था। और जब वो आती है तो वो सबको अपने पास बुलाती है और सब दौड़ के उसके पास जाते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हुआ था जब मदर पैट्रिज वापस आती है। नेक्स्ट सी नंबर है थिंक एंड आंसर। ओके, विच वर्ड वर्ड्स वुड यू यूज टू डिस्क्राइब मदर पैट्रिज, मदर पैट्रिज को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या वर्ड का यूज करेंगे? तो हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं कि वो बहुत ही केयरफुल थी, केयरफुल थी तभी ना उसने अपने बच्चों को बचा, उसका उनका ध्यान रखती थी। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग सबसे इम्पोर्टेंट, वो बहुत ही क्लेवर थी, कि वो फॉक्स जैसा क्लेवर एनिमल को भी बेवकूफ बना दी, तो वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर थी। ठीक है, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। तो टेस्ट से आपको एग्जांपल लेके बताना है कि क्या वो आप जो बोल रहे हैं कि वो बहुत ही क्लेवर थी, बहुत ही केयरफुल थी, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको टेस्ट से कुछ एग्जांपल्स लेने हैं। ठीक है, यानी कि चैप्टर से। नेक्स्ट डी नंबर है नो योर वैल्यूज, मदर पैट्रिज फेस द प्रॉब्लम पावरफुल फॉक्स टू सेव हर बेबीज। ठीक है, मदर पैट्रिज ने अपने फॉक्स, उतना पावरफुल फॉक्स को सामना किया अपने बच्चों को बचाने के लिए। One of her family members is not well. The doctor had advised her or him to take rest. What can you do to help your loved ones? यहाँ पे कह रहा है कि मानिए आपके family members में कोई जो है वो बीमार है, तो डॉक्टर ने उसे एडवाइस दिया है कि आप रेस्ट करो, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो? तो आप क्या कर सकते हो? आप उनका घर का काम कर सकते हो, आप उनकी सेवा कर सकते हो। ठीक है, उन्हें मेडिसिन टाइम पे दे सकते हो, उन्हें खाना दे सकते हो टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप उनकी हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट एक बोरल वैल्यू है, फैमिली मेंबर्स हेल्प एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर एट ऑल टाइम्स, दैट इज वॉट मेक्स अ फैमिली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और परिवार का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे को प्यार करना, यही तो हमारी फैमिली होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ग्रामर में, वी नो दैट वी यूज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस टू इंडिकेट वेदर अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नियर और फार, वी यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं? जब हमें कुछ इंडिकेट करना हो। ठीक है, कि वो चीज हमारे पास है या हमसे दूर है, जैसे कि हमने बोला दिस या फिर डैट, तो ये इंडिकेट करता है कि वो हमसे पास है या हमसे दूर है। अगर वो पास है तो हम दिस बोलते हैं, अगर वो दूर है तो हम डैट बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तब यूज करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कम्प्लीट दी सेंटेंसेस। ठीक है, आपको बॉक्स से करेक्ट वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस को कम्प्लीट करना है। तो पहला है हु इज द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क था, यानी कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज होना चाहिए था, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हु, इस क्लास का मॉनिटर कौन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हु होगा। सेकेंड नंबर है डैश इज माई स्कूल राइट देयर शाउटेड बोनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज माई स्कूल राइट देयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट, क्योंकि वो पॉइंट आउट कर रहा है कि देखो वहां पे मेरा स्कूल है। ओके, नेक्स्ट से थर्ड नंबर है आई डू नॉट थिंक दैट इज द राइट नंबर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस, क्योंकि वो जो नंबर है उसके पास में है, तो हम जब पास में कोई चीज हम क्या यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं। ठीक है, तो आई डू नॉट थिंक दिस इज द राइट नंबर, तो वैसे ही आपको बाकी सारे करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए
The patrice pulled herself away. The baby birds hid themselves in the wood. तो यहाँ पे herself and themselves को वोल्ड में लिखा गया क्योंकि ये क्या है, ये है reflexive pronoun, ठीक है। reflexive pronoun का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे subject जो है वो खुद को refer करता है वापस, ठीक है, मतलब subject खुद को ही बुला रहा होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं reflexive। reflexive मतलब क्या होता है, reflect करना, वापस आना, ठीक है। तो यहाँ पे subject जो है वो खुद को बुला रहा है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, reflexive pronoun करते हैं। जैसे कि द पैट्रिस पुल्ड हरसेल्फ अबे, अब देखो यहाँ पे द पैट्रिस, इसके लिए हमने सी यूज किया था, तो सी खुद को बुलाया, क्या हो जाएगा, हरसेल्फ, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ, ठीक है। आई स्कोल्डेड माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक, तो यहाँ पे देखिए आई, तो यहाँ पे फिर से हम खुद को रिफर कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है वो खुद को बुला रहा है कि मैंने खुद को बहुत डांटा क्योंकि मैंने इतनी सिली मिस्टेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुद को बुला रहा है, इसलिए आई क्या बन गया यहाँ पे, माई सेल्फ, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड है माया हग्ड डैश विद डिलाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, माया ये शी है, शी क्या बन जाएगी, हर, तो माया हग्ड हरसेल्फ विद डिलाइट, ओके। तो माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो वैसे ही आपको यूज करके यहाँ पे लिखना है, आई होप आप लोग इसे कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इन द ब्रैकेट, आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जैसे इस सेंटेंस को आपको डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का हेल्प करके कंप्लीट करना है, तो दैट इज द इजिएस्ट वे टू सॉल्व द सम। अब देखिए यहाँ पे वो सॉल्व कर रहा है, तो यानी कि सम जो सॉल्व कर रहा है उसके पास है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द इजिएस्ट वे टू सॉल्व द सम। नेक्स्ट आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो यहाँ पे डैश इज इन चार्ज ऑफ दिस वर्कशॉप, तो यहाँ पे वर्कशॉप का इंचार्ज कौन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हु इज इन चार्ज ऑफ दिस वर्कशॉप, ठीक है। तो वैसे आपको बाकी सारे करने हैं, आई होप आप इसे भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, He would surely see them. The wood was full of enemies. तो देखिए यहाँ पे wood and wood, ये बोलने में तो सेम है बट इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो the words in bold are homophones. इन ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं, होमोफोन्स, जो कि सुनने में इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट इसका स्पेलिंग एंड मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे wood and wood, बोल तो सेम रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स, ठीक है। दे हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है। इनका मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट इनका मीनिंग एंड स्पेलिंग दोनों डिफरेंट होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्ट वर्ड का यूज करके, ठीक है। माई सूलेस इज, अब यहाँ पे क्या होगा, लूज, ठीक है। But I can't stop to tie it. I have no time to lose. अब देखिए यहाँ पे ये lose होगा और यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे L double O S E होगा, but यहाँ पे L O S E होगा, ठीक है। Next second number है, after the dash call, the teacher will announce who plays which dash in the play. तो यहाँ पे क्या होगा, after the roll call, the teacher will announce who plays which role, ठीक है। एक रोल का मतलब होता है आपका रोल नंबर, एंड एक रोल का मतलब होता है कि आप जब ड्रामा करते हो, प्ले करते हो, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टर को करना पड़ता है, तो उसे रोल कहते हैं, ठीक है। थर्ड है, विल यू वेट व्हाइल आई चेक माय वेट ऑन दिस मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा विल यू प्लीज वेट, डब्ल्यू ए आई टी, एंड यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू ई आई जी एस टी। एक का मतलब होता है वजन करना, एक का मतलब होता है इंतजार करना, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, आई होप आप ये सब भी कर लोगे। अब नेक्स्ट आते हैं, दे वर गोइंग टू हैव अ ड्रिंक एट द स्ट्रीम, मदर पैट्रिस टुक केयर ऑफ ऑल द बेबीज, तो हैव अ ड्रिंक एंड टेक केयर आर कोकुलेशन विद हैव एंड टेक, ऑल्दो हैव एंड टेक कैन मीन सिमिलर थिंग्स, हैव इज यूज्ड विद सर्टेन वर्ड्स एंड टेक इज यूज्ड विद सर्टेन अदर वर्ड्स, ठीक है। भले ही हैव एंड टेक का मतलब एक जैसा हो, लेकिन हैव हम कुछ खास वर्ड्स के साथ यूज करते हैं एंड टेक हम कुछ खास वर्ड्स के साथ यूज करते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं किसके साथ हैव यूज करते हैं एंड किसके साथ टेक यूज करते हैं, ठीक है। तो हैव हम कब यूज करते हैं, जब कुछ आर्गुमेंट के बारे में बात हो रहा है तो हम वहां पे हैव यूज करते हैं, या फिर जब हम हेयर कट, ठीक है, जैसे कि आई हैव अ हेयर कट,
कोई प्रॉब्लम हो तब हम हैव यूज करते हैं, लंच जब कर रहे हो तब हैव यूज करते हैं, फन जब कुछ करें आई हैव फन, ठीक है। नेक्स्ट डिनर कर रहे हो तो उस टाइम भी हम हैव यूज करते हैं। अब देखते हैं हम टेक कब यूज करते हैं, जब हम कुछ देख रहे हैं जैसे कि आई लुक, आई एम, टेक अ लुक जिसे हम बोलते हैं कभी कल, ठीक है, टेक अ लुक। नेक्स्ट टेक अ फोटो, टेक अ वॉक, टेक एडवांटेज ऑफ, टेक पिटी ऑन, टेक एक्शन, ठीक है। तो इस टाइम हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स, सही वर्ड्स का यूज करके यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स आर हैविंग डैश अबाउट विच टीम शुड बिन, तो यहाँ पे हैविंग यानी कि इन छह में से कोई एक होना चाहिए। तो क्या होगा उनको, द स्टूडेंट्स आर हैविंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, द स्टूडेंट्स आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट अबाउट विच टीम शुड बिन। ओके, यहाँ पे क्या होगा, हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट सेकेंड है वी शुड टेक एक्शन, वी शुड टेक, सॉरी वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस फ्री पीरियड टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, ठीक है, इसका एडवांटेज लेना चाहिए हमें ताकि हम टेस्ट की तैयारी कर सके। ओके, नेक्स्ट थर्ड है प्लीज टेक, अब टेक है तो यानी कि इन सभी में से कोई एक यूज करना होगा हमें, तो प्लीज टेक अ फोटो, प्लीज टेक अ फोटो ऑफ मी एंड मिता टूगेदर, रिया सेड टू मदर, ठीक है। तो वैसे आपको बाकी सारे करने हैं, आई होप आप कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं राइटिंग में, रीड दिस पैसेज, फर्स्ट मदर पैट्रिस फ्लू टूवर्ड्स द फॉक्स, सी केम डाउन बिसाइड हिम ब्रेवली, देन सी ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड, सी साउंडेड एज इफ सी वाज हर्ट, सी आल्सो मूव्ड एज इफ सी वाज लेम, द फॉक्स वाज एक्साइटेड टू सी द बर्ड सो क्लोज, नेक्स्ट मदर पैट्रिस लेड हिम अवे फ्रॉम हर बेबीज, द फॉक्स ट्राइड टू कैच हर बट ही कुड नॉट, Finally, she flew away from him and returned to her babies. The words first, then, also, next and finally are called linkers. ठीक है, तो यहाँ पे जो words हमने देखा है, first, then, also, next, finally, ये क्या कर रहा है, ये sentence जोड़ रहा है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, linkers. ठीक है, they are used to connect ideas, sentence and paragraphs. तो linkers किस लिए use करते हैं, हम जब भी कुछ ideas को, कोई sentence को या फिर कुछ paragraph को हमें connect करना है, एक दूसरे से जुड़े रखना है, तो हम इन लिंकर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट अ फ्यू पैराग्राफ्स इन योर नोटबुक अबाउट द बेबी पैट्रिजेस यूजिंग दीज लिंकर्स, यू कैन ऑल्सो यूज दिस क्लूज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ एक पैराग्राफ लिखना है अपने नोटबुक में बेबी पैट्रिजेस के बारे में, ठीक है, और आपको लिंकर्स यूज करना है। ठीक है, और आप इस इन सब क्लूज का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इन सब क्लूज को लिंकर्स के हेल्प के साथ जोड़ के इसे एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको करना है इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं लिसनिंग में, यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है वो साउंड्स को उनके एनिमल्स से। ठीक है, कि कौन से एनिमल्स किस टाइप का साउंड निकालते हैं, तो क्लक, क्लक कौन निकालता है, यहाँ पे क्लक होगा मदर पैट्रिस, पीप, पीप कौन करता था, बेबी पैट्रिजेस। ठीक है, क्वैक कौन करता है, डक, एंड क्रॉक कौन करता है, फ्रॉक्स, बज कौन करता है, बी, एंड मो कौन करता है, कॉस, ब्लीट करते हैं गोट्स, एंड हिस करते हैं स्नेक। ठीक है, तो वैसे आपको मैच कर लेना है, ये बहुत ही इजी है। नेक्स्ट ये स्पीकिंग था। ओके, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी वर्क, रिफर टू अ डिक्शनरी, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच दे बिलोंग टू। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको करना है डिक्शनरी की हेल्प से। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो जो वर्ड्स है उनका मीनिंग लिखना है, एंड ये भी बताना है कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है क्या, नहर एक तरह का। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का नाउन है, उसका फिर हमने मतलब लिख दिया। तो ये बाकी आपको करने हैं। और स्टूडेंट एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी आप लोग घर पे हैं, तो आप लोग चाहें तो हर रोज 5 वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, जिससे कि आपका वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रांग हो, एंड आप डिक्शनरी की हेल्प से उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी देख के उसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको घर से करके लाना है, करना कुछ नहीं है, बस आपको बताना है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लाइफ स्किल्स में, सम क्रॉस हैव बिल्ट अ नेस्ट राइट आउटसाइड योर विंडो, यू कैन नॉट ओपन द विंडो विदाउट रिमूविंग और ब्रेकिंग अप द नेस्ट, वर्ड्स ड्रॉपिंग्स आर मेकिंग योर विंडो सिली डर्ट, ऑल्सो इफ एनी वन ट्राइज टू गो नियर द नेस्ट द क्रॉस ट्राई टू पेक हिम, then you realize that the birds are nervous because they have babies in the nest and are trying to protect them, what will you do,
यू कैन चूज मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको सिचुएशन दिया गया है कि आपका जो विंडो है, विंडो के पास एक क्रो ने अपना घोंसला दिया, एक नेस्ट दिया है, और आप उस घोंसले को बिना तोड़े या फिर बिना हटाए अपना खिड़की नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। और ब्लड मतलब कि जो भी वो वर्ड्स जो है वहां पे है, उसने पूरा विंडो को गंदा करके रखा हुआ है, और जब कोई भी उस नेस्ट के पास जाता है उसको हटाने के लिए, तो जो क्रॉ है वो उसको अपने चोंच से मारना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तब आपको एहसास हुआ कि जो वर्ड्स है वो एक्चुअली बहुत नर्वस है, क्योंकि उस नेस्ट में उनके बच्चे हैं जिनको कि वो प्रोटेक्ट करना चाहती है, ठीक है। मतलब उनको डर है कि हम उन्हें कुछ हार्म ना पहुंचा दे, इसलिए वो हमें पेक करना स्टार्ट करती है जब पास जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे। फर्स्ट वन है, यू विल शो द क्रॉस अवे एंड रिमूव द नेस्ट होपिंग दैट दे कैन बिल्ड अनदर। तो आप क्या करोगे, उस कौए को, उस क्रो को वहां से हटा दोगे, ये उस नेस्ट को वहां से हटा दोगे, ये सोच के कि वो कहीं और जाके अपना घोंसला बना ले। सेकेंड ऑप्शन है, यू विल वेट फॉर द बेबीज टू ग्रो अप एंड फ्लाई अवे ऑन देयर ओन। आप उन बच्चों का बड़ा होने का वेट करोगे ताकि वो खुद से उड़ सके, उन्हें उड़ाने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट सी नंबर है, यू विल गिव क्रम्स ऑफ फूड टू द क्रॉस एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द बेबीज विदाउट स्क्रेइंग देम। तो आप क्या करोगे, आप कौए को कुछ खाने के लिए दोगे, रोटी का टुकड़ा कुछ भी, ताकि और ये देखोगे कैसे बच्चे उनके बड़े हो रहे हैं बिना उन्हें डराए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये दोनों काम कर सकते हैं, बी एंड सी, कि उनके उनको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें डराए नहीं, और उनके बड़े होने का वेट करें ताकि वो खुद ब खुद ही वहां से हट जाए, ठीक है। सो यही आपका चैप्टर था, जहाँ पे हमने देखा कि एनिमल्स भी लव एंड केयर करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू क्लास।